अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैच को। इसके अंदर एक नया एड्रॉप आया है जिसका नाम है LOL, और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं इसके अंदर हमें मिल जाते हैं यहाँ पर जनाब 1,00,000 टोकन LOL के। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि मेरे पास ये टोकन रिसीव हो चुके हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, मेरे पास ये टोकन रिसीव हो चुके हैं मुझे। और यहाँ पर आपने कैसे, सबसे पहले आपने यहाँ पर BNB बाय करना है। अब यहाँ पर आपने BNB कैसे बाय करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर M18 जो चैन है, ये मैट चैन इसको कहा जाता है, इसको आपने ऐड कैसे करना है। आपके पास सबसे पहले सेलेक्ट होगा ऑल मेन नेट्स, आपने क्या करना है यहाँ सर्च बार के अंदर आना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है M80। जैसे आप M80 सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दो मैच चैन आ जाती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। हमने क्या करना है, हमने ये वाली करनी है जिसका बैकग्राउंड वाइट है, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आपने BNB जो है वो डिपॉजिट करना है। BNB कौन सा डिपॉजिट करना है, वो BNB आपने करना है यहाँ पर। आप इसका एड्रेस है वो कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपके पास कहीं भी अमाउंट पड़ी है, चाहे OKX वॉलेट के अंदर पड़ी है, चाहे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़ी है, आपने इसको ओपन कर लेना। जैसे कि मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़ी हुई है, और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मैं ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपने सेंड वाले सेक्शन में जाना है और वो जो एड्रेस है आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एड्रेस पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेरे पास $1 का पड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैं तकरीबन मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, BNB यहाँ पर डिपॉजिट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपने कन्फर्मेशन करनी है, मतलब कन्फर्म करना है इसको, और यहाँ पर आपने अपना जो कोड आपका होगा वो आपने कोड लगा देना है और आपकी जो अमाउंट है यहाँ से सेंड हो जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारी जो अमाउंट है वो सेंड हो रही है, यहाँ पर मेरे हमारी जो अमाउंट है वो सेंड हो गई है, जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने गौर से देखना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर होम वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपने होम वाले सेक्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है अर्निंग सेक्शन का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपको एक ये लॉन्च पोल जो है ये नज़र आ रहा है। बेसिकली ये एंड हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पर ये टास्क कंप्लीट करेंगे और हमें टोकन मिल जाएंगे। इसके ऊपर हमने क्लिक किया चेक नाउट के ऊपर। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर वेट करना है, और यहाँ पर ये तीसरे नंबर वाला जो है ये हमने टास्क कम्प्लीट करना है, ये वाला, ठीक है, कम्प्लीट ब्रिजिंग। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, स्टार्ट पर क्लिक किया। जैसे हमने स्टार्ट पे क्लिक किया उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो कभी कभी ये जो मतलब है वेबसाइट ये वर्किंग नहीं करती, आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपने ऊपर कनेक्ट का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ये देखें, यहाँ पर आपने कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो ये वाला है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, मतलब BitGet के ऊपर, BitGet वॉलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट, जो आपका वॉलेट है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। जैसे आपका ये वॉलेट कनेक्ट हो जाए उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा वेट कर लेना है। वॉलेट के ऊपर क्लिक करना, ऊपर वाला जो ऑप्शन उसके ऊपर आपने BNB सेलेक्ट कर देना है, लेकिन यहाँ पर ये मैच का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे जो ऑप्शन इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हमने जो मेन BNB है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा, ये एक सिंपल BNB है जिसके अंदर हमने डिपॉजिट किया था। अब यहाँ पर ये जो BNB है ये मैच चैन वाला है, तो हमने इसको कैसे ऐड करना है सबसे पहले हम इसको सीख लेते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल, यहाँ पर ये देखिएगा, आपने इस जगह क्लिक करना है, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना है, ठीक है, नीचे की तरफ। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होता है ये वाला, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, आपको यहाँ पर ये मिलता है एक BNB ये वाला, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ऊपर जो आपका मेन BNB है वो आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पे, और उसके बाद जो आपका मैच चैन वाला BNB ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये वाला तो काम हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये भी देख सकते हैं जो अमाउंट है वो अपलोड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पर 0. अभी अमाउंट ऐड हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, इसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है।
तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मेरे पास जो अमाउंट है वो आ चुकी है, और जो अमाउंट है वो लोड हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको सारा तरीके का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमने करना जी 0.0001, ठीक है, तो 2 कर देते हैं, हमारे पास 6 है। अब इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें हर चीज़ वाज़े है। यहाँ पर हमने स्विच नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है, हमने कनेक्ट वर्ल्ड के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे देखें, कंटिन्यू के ऊपर हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र पर क्लिक किया। जैसे हमने ट्रांसफ़र पर क्लिक किया तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा निक्कू सा आपने वेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए, हमने ये साइन इन आ रहे हैं, हमने सिंपल इसकी जो मतलब है कंफर्मेशन करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, ये साइड इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड ले रही, कंफर्म पे ऊपर क्लिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर बस ये पेंडिंग में जा रहा है, ये देखें ये भी पेंडिंग में जा रहा है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी जो है ना मतलब ये भी अभी पेंडिंग में जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जो एक ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो दूसरी ट्रांजेक्शन है उसके लिए यहाँ पर टाइमर चल रहा है, तो हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो दूसरी ट्रांजेक्शन है उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में कम से कम 6 घंटे लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपने अगर आपकी ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये कम्प्लीट हो जाती है, तो इस ट्रांजेक्शन तकरीबन 1 से आधा घंटा लग जाता है, आपने इसका वेट कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, मतलब ऊपर से क्रॉस करना है, और बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर वॉलेट में आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं अपना जो वो है, यहाँ आप देखिएगा, ये देखें यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, और यहाँ पर मेरा जो फंड है वो भी ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हमने अपना जो टोकन है LOL का जो टोकन है वो यहाँ पर ऐड करना है। वो कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपल यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने इस जगह क्लिक कर देना है, इस तरह का जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है, और आपने इसको इसको सर्च करना है। और यहाँ पर देखिए, ये जो टोकन है हमारे पास ये ऐड हो चुका है। आपने सिंपल इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद ये जो टोकन है यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा जो काम है तकरीबन आधा हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने आ जाने अपने यहाँ पर मेटा क्वेस्ट के अंदर, और आपने यहाँ पर आने के बाद क्लेम नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लेम नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, बिटगेट सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमें बिटगेट के अंदर लेकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, अपने अप्रूव पर क्लिक कर लेना है। अप्रूव पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आपके क्लेम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नजर आ जाता है, ठीक है। आपने क्लेम पर क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा यहाँ पर आपने इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव करनी है, और यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए, हमने सिंपल इसको कंफर्म किया, और उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा और वेट कर लेना है। दोबारा आपने कंफर्म करना है, दोबारा इसको अप्रूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो टोकन है वो हमारे वॉलेट में यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इस तरीके से आपने ये वाला जो एयरड्रॉप है ये ज्वाइन कर लेना है, और इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।